हरियाणा रेडक्रॉस सोसाइटी की चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता ने अपने पति प्रमोद गुप्ता का जन्मदिन मानवता के कार्यों से मनाया। उन्होंने जन्मदिन के मौके पर आईएमटी में मजदूरों के सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई और उनके खाने पीने का प्रबंध किया। वहीं गरीब बच्चों के साथ बैठकर केक भी काटा। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि समाज सेवा का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। निसंदेह जो बच्चे यहां से पढ़कर जाएंगे वे जरूर अच्छे स्कूलों तक पहुंचेंगे और उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। जिस तरीके से जन्मदिन पर सैकड़ों बच्चों के लिए शिक्षा और उनके खाने का बंदोबस्त किया गया, यह भी सराहनीय कार्य है। देखिए, आज हमारे इस फरीदाबाद के बहुत ही यशस्वी समाज सेवी श्रीमान प्रमोद गुप्ता जी और हमारे जो रेडक्रॉस की चेयरपर्सन है सुषमा गुप्ता जी, आज प्रमोद गुप्ता जी के बर्थडे पर आज इन्होंने एक मुस्कान आंगनवाड़ी का, जो छोटे बच्चों को, जो मजदूरों के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का, उनको रखरखाव का, एक प्रकार से जो डे केयर होता है, दिन सारा दिन बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे और बहुत सारी शिक्षा जहाँ से प्राप्त करेंगे, तो उनका जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रबंध है आज अपने बर्थडे पर इन्होंने यहाँ किया है। और मुस्कान आंगनवाड़ी से पढ़ के बच्चे निश्चित तौर पर अच्छे स्कूलों में जाएंगे और यहाँ से अच्छी शिक्षा लेकर के जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, समाज सेवियों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि चाहे कोरोना काल की बात हो या अन्य कोई जो जितने भी परेशानियाँ संकट कभी आता है, तो हमारे इस देश और प्रदेश के, खासतौर पर फरीदाबाद के जो समाज सेवी है, वो आगे बढ़ करके काम करते हैं, फ्रंट फुट पर आकर के काम करते हैं। और आज एक ऐसा अच्छा कार्य है, नेक कार्य है, आज प्रमोद गुप्ता जी ने अपने बर्थडे पर किया है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, जो मजदूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते उनको यहाँ शिक्षा मिलेगी और सभी टीचर्स का या अन्य साधन संसाधन का प्रबंध इन्होंने आज अपने बर्थडे पर यहाँ किया है। फरीदाबाद से राजेंद्र दैया की रिपोर्ट।